Show of you. शमिता, क्या अब भी मैं कोई भूल कर रहा हूं? शौर्य, आज मैंने पहली बार अपनी आप से किया हुआ कोई वादा तोड़ा। मैंने मान लिया था कि हमारी दोस्ती के बीच ऐसा कोई भी पल नहीं होगा जहां कभी भी कहीं भी मुझे तुम्हारे अतीत को लेकर कोई बात छेड़नी पड़े। शौर्य, तुम्हारा वो अतीत जिसने तुम्हें सिर्फ दुख दिया है, सिर्फ तकलीफ दी है, तुम्हें रुलाया है यार, मैं उस अतीत के बारे में बात नहीं करना चाहता था। लेकिन लेकिन उस लड़की की जिंदगी बचाना भी तो जरूरी था शौर्य। अरे सर, देख उसे, उसने अपनी मौत अपने नाम लिखवा ली थी यार, अपनी मौत। आज आज हमारी वजह से वो जी रही है, वो जिंदगी के करीब आ गई है शौर्य। ऐसी हालत में उस बेचारी को छोड़कर कैसे जा सकते हैं यार? या तो उसका कोई अपना भी नहीं है उसके साथ, बताओ वो चाहिए। यहां तो अपने अपनों का साथ छोड़ देते हैं यार। ऐसे में अगर कोई अजनबी किसी अजनबी की मदद करते हैं तो इस दुनिया से दुख दर्द कितना कम हो जाए यार। काश काश ये बात लोग समझ पाते। शौर्य, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? शामिता, मैं कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहता हूं, प्लीज। शौर्य, आज तक इसी अकेलेपन को तो तूने अपना साथी बनाया हुआ है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है भाई, एक दिन वो भी आएगा जब खुशियां तुम्हारी भी जिंदगी में दस्तक देंगी और तुम्हारे इस दोस्त को उसी दिन का इंतजार रहेगा। बाबू मशाई, राज का काम तो बढ़ता ही जा रहा है। उसने तो कहा था कि काम के सिलसिले में जर्मनी में बस 2 महीने ही बिताने होंगे, और कहां तो राज लौटने का नाम ही नहीं ले रहा है। लकी के भविष्य के बारे में सोचते सोचते कहीं राज अपने आज को तो नहीं खो रहा? और बाबा, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे कोई ना कोई बात तो जरूर है जो बाबा मुझसे छिपा रहे हैं। राज के जाते ही बाबा का बर्ताव कुछ बदल गया है। पूरा पूरा दिन न जाने कहां चले जाते हैं बाबा, कुछ समझ नहीं आ रहा।
मेरे भाई, मैं जानता हूं तुम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगे। तुम्हारा दुख इतना बड़ा है कि दिलासा देने के लिए शब्द ही छोटे पड़ जाएंगे। बस यही उम्मीद कर सकता हूं मेरे भाई कि तुम्हारी जिंदगी में आया ये तूफान जल्द से जल्द थम जाए और तुम्हें तुम्हारा खोया प्यार वापस मिल जाए। हमारे परिवार को किसकी नजर लग गई ललिता? पता नहीं भाभी, हमारे परिवार की खुशियों को किसी की नजर लग गई या भगवान खुद हमारी खुशियां छीन रहे? नहीं ललिता, ऐसा नहीं कहते। भगवान ही तो हमारी आखिरी उम्मीद है, वही तो एक सहारा है, उन्हीं का तो साथ है। राधा कहाँ है, किस हाल में है, वो सब जानते होंगे। अरे अगर वो सब जानता है तो हमें तकलीफ क्यों दे रहा है? क्यों हमारी राधा नहीं लौटाता? वो कभी, मुझे भगवान पर भरोसा है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये भरोसा कम होते जा रहा है। नहीं नहीं, अरे पगली, भगवान यही तो देखना चाहते हैं कि जिंदगी की इन मुश्किल राहों का सामना करते हुए हम हिम्मत तो नहीं हार जाते, और हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। आज हालात हमारे खिलाफ है, पर यह वक्त भी गुजर जाएगा और तुम देखना राधा वापस आएगी। मेरा मन कहता है राधा जरूर वापस आएगी। आप और मैं ये मानने को तैयार नहीं है कि राधा को कुछ हुआ है, लेकिन राधा की चिट्ठी में लिखे गए एक एक शब्द हर पल मेरे कानों में गूंजते हैं। भाभी, भाभी डर लगता है अगर। नहीं, ऐसा मत बोलो, राधा को कुछ नहीं होगा, राधा कुछ नहीं कर सकती, राधा अपने आप को कभी खत्म नहीं कर सकती। मेरा मन कहता है राधा वापस जरूर आएगी, और अगर ऐसा हुआ तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। एक मां के होते हुए उसके सामने उसके बच्चों की मौत नहीं हो सकती। भगवान ऐसा अन्याय नहीं कर सकता मेरे साथ, कभी नहीं कर सकता। राधा वापस आएगी ललिता, राधा को कुछ नहीं होगा, राधा राधा वापस आएगी। हालात भले ही बुरे हो पर मेरा विश्वास नहीं टूट सकता, मेरा विश्वास नहीं टूट सकता। हाँ भाभी, आप जो कह रही है वो बिल्कुल सही है। मैं गलत सोच रही थी भाभी, कुछ नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। तुम मुझे अपना दोस्त मानती हो ना? सिर्फ दोस्त नहीं, अपना सबसे अच्छा दोस्त। मुझे उम्मीद थी कभी ना कभी तुम मुझे जरूर समझोगे, लेकिन आज मुझे यह एहसास हो गया कि तुम मुझे समझना ही नहीं चाहते। तुम्हारी आंखों पर झूठ का पर्दा पड़ा हुआ है जिसे तुम हटाना ही नहीं चाहते। मैं समझ गया था
तुम सही थी और मैं गलत, तो फिर क्यों रहता, क्यों अपने आप को सजा दे रही हो? लौट आ रहा था राधा, राधा मैं तुम्हें कोई दुख नहीं दूंगा, मैं तुम्हें हर दुख हर गम से दूर रखूंगा राधा। तुम जिन जिन खुशियों की हकदार हो वो तमाम खुशियां मैं तुम्हें दूंगा राधा। कहां हो राधा तुम? कहां हो तुम? राधा का अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है और घर पर सब कितने परेशान हैं और मॉम अपनी उम्र के जिस मोड़ पर उन्हें खुशियां मिलनी चाहिए थी वहां उन्हें इतने दुखों का सामना करना पड़ रहा है। जाने अनजाने में उनके ही बेटों ने बहुत तकलीफ पहुंचाई है मॉम को, लेकिन लेकिन अजय से तो ऐसी भूल हुई है जिसकी सजा सबसे ज्यादा उसे ही भुगतनी पड़ रही है। राधा को दुख देकर अपनी जिंदगी में आंसू लिख दिए हैं अजय ने। समझ नहीं आ रहा आखिर ये इम्तिहान कब खत्म होगा। तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूं रवि, प्लीज खा लो। वैसे जब से राधा गई है घर से किसी ने भी ठीक से खाना नहीं खाया, खा लो रवि। रवि वैसे भी राधा की याद तो भुलाने से भी नहीं भूल पाएंगे। कितनी मदद करती थी वो मेरी, हर काम वो बिना शिकायत की कर लेती थी। रवि जानते हो आज जब मैं किचन में काम कर रही थी तो मुझे लगा कि राधा मेरे आसपास है, लेकिन फिर एहसास हुआ कि वो तो चली गई हम सबको छोड़कर। मैं भी राधा को बहुत मिस करती हूँ, बहुत। लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं ना रवि कि हम अपने आप को सजा दें। देखो राधा मिल जाएगी हमें। देखो रवि हमें हिम्मत बनाए रखनी है। रवि मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है, सोचा तुम्हारे साथ लंच कर लूंगी। अगर मेरा इंतजार करोगी तो जिंदगी भर भूखा रहना पड़ेगा, इसलिए तुम्हारी ये मुराद कभी पूरी नहीं होगी। अगर हमारे रास्ते ही अलग हैं तो ये बेकार का नाटक क्यों? चाहे मुझे कितना भी दूर भगाते हो रवि, लेकिन एक ना एक दिन तो तुम्हें इस साथ को भी अपनाना ही पड़ेगा। अपनी
अनोखे आंसुओं को सच्चा साबित करके ही रहूंगी। ये कैसा संजोग है ना शौर्य, एक वक्त पर तुम्हारे किसी अपने को ही हालात से गुजरना पड़ा था, आज वक्त इस लड़की के साथ फिर से वही दास्तान दोहरा रहा है। शौर्य, मैं ये नहीं जानता है कि इस लड़की की जिंदगी में आगे क्या होना है, मैं ये भी नहीं जानता कि इसकी किस्मत में क्या लिखा है। अरे ये बेचारी तो जिंदगी से हाथ गंवाने वाली थी, लेकिन उस ऊपर वाले ने इसकी मदद के लिए हमें चुना। शौर्य, तुम शायद भगवान पर भरोसा ना करो, मगर जानते हो उनकी नजर तुम्हारे दुखों पर से एक पल के लिए भी नहीं हटी, एक पल के लिए। शौर्य, उस वक्त तो तुम अपने सबसे करीबी की मदद ना कर सके, मगर आज भगवान ने तुम्हें मौका दिया है इस लड़की की मदद करने का। जिस दुख को तुम जिंदगी भर सहारा बनाकर चलते रहे, इस मासूम की मदद करने से शायद उस दुख का बोझ थोड़ा कम हो जाए। हालात ने अनामिका के रूप में तुम्हें तुम्हारे माजी से एक बार फिर रूबरू करवाया है, ये संजोग नहीं तो और क्या है बंधु।